दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है टिश्यू प्रोसेसिंग। आज हम समझेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स कैसे कैसे हम करते हैं। दोस्तों पहले हम देखते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन हम जैसे हमारे कोई बायोप्सी आया, हमारा कोई ऑर्गन आया, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप, जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, थोड़ा सा हम मार्किंग कर लेते हैं जहाँ जहाँ थोड़ा सा खराब टाइप के दिखते हैं ना, तो उसे हम क्या करेंगे, पूरा तो हम ऑर्गन्स को ही फिजेटी में यू डीप करके रख देते हैं, या तो हम कोई जो हमारे बायो जो हमारा खराब टाइप का जो दिख रहा है इसे हम काट करके निकाल लेंगे इसे, फिर इसे हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, या पूरी हम बायोप्सी में प्रिजर्व कर देते हैं फिजेटिव में। दोस्तों फिजेटिव का काम होता है क्या, आइटोलाइसिस, प्रिवेंट आइटोलाइसिस, इसमें आइटोलाइसिस होने से बचाएगा। आइटोलाइसिस में लाइसोजाइम, जो हमारे लाइसोजोम एंजाइम होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, उसको इनहिबिट्स कर देता है, जैसे हमारा आइसोलाइसिस नहीं होने देता। और प्यूट्रीफेक्शन में होता है, इसमें हमारे बैक्टीरियल जो होते हैं, बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, बैक्टीरिया हमारे ब्रेक डाउन ना कर दें, बैक्टीरियल एक्शन जो होता है, बैक्टीरियल एक्शन में हमारे टिश्यू को क्या करे, ब्रेक डाउन ना कर दे, इसमें क्या बैक्टीरियल एक्शन को क्या भी करता है, ये इसको भी इनहिबिट्स करता है। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जब हमने इसमें डिप किया था फिजेटिव में जब डिप किया था, तो इसमें वाटर की जो हमारे हैं, वाटर भी हमारे टिश्यू में चले गए थे, हमारे बायोप्सी में चले गए थे, तो हम उसको क्या करेंगे, वाटर यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, जो हमारा यहाँ पे फिजेटिव जो चला गया था, फिजेटिव से हमारे जो वाटर है या तो हमारा क्या है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हम वाटर को, वाटर को रिमूव करेंगे हम, वाटर रिमूव करते हैं फ्रॉम टिश्यू, हमारे जो हैं टिश्यू से हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, क्योंकि फिजेटिव डिप किया था, फिजेटिव डिप करने से वाटर आ गया था, वाटर से हम रिमूव करेंगे। दोस्तों वाटर जब हम रिमूव करते हैं तो रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव हम असेंडिंग हम ग्रेड्स में हम क्या लेते हैं, एल्कोहल यूज करते हैं। असेंडिंग ग्रेड्स में हम क्या करते हैं, असेंडिंग ग्रेड्स में हम क्या करते हैं, एल्कोहल यूज करते हैं। एल्कोहल यूज करके लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन से हम यूज करते हैं एल्कोहल, जैसे हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। जैसे दोस्तों हम पहले 70% में डिप करेंगे, 70% हम ले लेंगे पहले एल्कोहल यूज करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम 90% करेंगे एल्कोहल लेंगे, 70-90 फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल जो होता है उसमें हम डिप करके क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट माने क्या होता है, वाटर हमारा होने रिमूव करेंगे, किसके थ्रू करते हैं हम, एल्कोहल के थ्रू करते हैं। डिहाइड्रेशन किसके थ्रू करते हैं, एल्कोहल में, एल्कोहल से हम करते हैं 70% से पहले 90% से, फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल में हम डिप करते हैं 15-15 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट 30 मिनट के लिए हम उसे क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा हमारा क्या है, क्लियरिंग। दोस्तों क्लियरिंग, जो क्लियरिंग क्या होता है, जब हमने यहाँ पे एल्कोहल यूज करके रिमूव किया वाटर को, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें तो हमारा क्या है, एल्कोहल तो हमारा इसमें आ गया है, अब वाटर तो रिमूव हो गया लेकिन एल्कोहल भी इसमें इंक्लूड है, तो अब इनको क्लियरिंग में क्या करते हैं, एल्कोहल को रिमूव करते हैं, एल्कोहल को रिमूव करेंगे फ्रॉम टिश्यू हमारा जो है, तो बायोप्सी हमारा जो है वहाँ से हम रिमूव करेंगे। इसके द्वारा करते हैं, जैलिन के थ्रू करते हैं, जैलिन से हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, और हमारा क्या हो गया, टॉल्यून हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब हमारे क्या है, क्लियरिंग एजेंट हैं, जो कि हमारे वो एल्कोहल को रिमूव करते हैं फ्रॉम टिश्यू से या बायोप्सी से। दोस्तों जो मोस्ट कॉमन क्लियरिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो हमारा नाम क्या है, उसका जैलिन, जैलिन हम यूज करते हैं मोस्ट क्लियरिंग एजेंट है। इसमें जो दोस्तों जो क्लियरिंग एजेंट हम यूज करते हैं 20 मिनट्स के लिए करते हैं, 20 मिनट दो बार करेंगे, इस बार 45 मिनट्स के लिए करते हैं। दोस्तों अब हमारा क्या आ गया, इम्प्रेगनेशन, इम्प्रेगनेशन एंड वैक्स इनफिल्ट्रेशन। दोस्तों हम इम्प्रेगनेशन जो करते हैं, इम्प्रेगनेशन मीन्स क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से फिजेटिव रिमूव कर दिया, इसके बाद वाटर भी रिमूव कर दिया, सिटेल्स या हमारे जो टिश्यू थे और हमारे जो बायोप्सी था उसमें हमारा क्या था, एल्कोहल था, उसे भी रिमूव कर दिए, तो फिर क्या होगा, जो टिश्यू हमारे होते हैं, हमारा जो बायोप्सी है उसमें क्या होते हैं, इम्पटी होता है, खाली स्थान हो जाते हैं, खाली स्थान को भर देंगे, भरना होता है, इसीलिए इम्प्रेगनेशन बोलते हैं। और जो इसको खाली स्थान अगर नहीं भरेंगे, जो हम टिश्यू सेक्शनिंग करने लगेंगे तो कटेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा ऐसे, वो कटने नहीं देगा, तो इसको हमको हार्ड करना है, हार्ड करना है, तो पैराफिन वैक्स जो होता है, पैराफिन वैक्स से हम क्या करते हैं, इसको जो ये खाली जगह है, इम्पटी जगह है, उसे हम क्या करेंगे, फिल कर देते हैं, क्योंकि लिक्विड उसे थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद उसमें हम डिप कर देते हैं, डिप कर देंगे तो जो खाली जगह है तो क्या होगा, उसमें वो अपना जगह लेके क्या हो जाएगा, खाली जगह जो है पूरा भर जाएगा पैराफिन वैक्स से, वो हार्ड हो जाएगा।
पैराफिन वैक्स से हम करते हैं दोस्तों, पैराफिन वैक्स से। और एम्बेडिंग या कास्टिंग या ब्लॉकिंग, दोस्तों इसका एम्बेडिंग बोलो या तो कास्टिंग या तो ब्लॉकिंग, इसका तीन नाम है। एम्बेडिंग दोस्तों, एम्बेडिंग इसमें क्या करते हैं, एम्बेडिंग में हम एक हम मेटल का हमें ले लेंगे, ब्लॉक ले लेते हैं, इसमें हम ब्लॉक बनाना होता है, पैराफिन वैक्स का ब्लॉक बनाना होता है। इसमें हमने पहले क्या रख दिया, यहाँ पे जो टिश्यू हमारा जो बायोप्सी था या जो छोटा सा पीस काटे हुए थे वो हमने इसमें रख दिया। रखने के बाद जो हमारे बायोप्सी जो इन्फेक्टेड हमारा पार्ट दिख रहा था उसमें हमने इसमें रख दिया स्मॉल पीस। रखने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम पैराफिन वैक्स जो था इसको हम पूरा फिल कर देंगे, मेल्ट करके 60 या 65 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट करके इसे मेल्ट कर देंगे। तो इसको हम ब्लॉक में, इसमें क्या कर देंगे, मेटल का ब्लॉक रहेगा, इसमें हम भर देंगे हमारा पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स भर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। जब वो लिक्विड हम मेल्ट करके जब उसमें फिल किए थे, ब्लॉक बनाए थे, तो जब वो लिक्विड से फिर कुछ टाइम बाद वो ठंडा होकर के क्या होगा, कूल जब हो जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा और हमारे यहाँ नीचे टिश्यू सेक्शन रहेगा। दोस्तों हमारा क्या हो गया, एम्बेडिंग, मैंने ब्लॉक बना लिया तो हमारा ब्लॉक ऐसे बन गया दोस्तों। अब सेक्शन कटिंग करेंगे दोस्तों। सेक्शन कटिंग करने के लिए हमको माइक्रोटोम की जरूरत होती है। माइक्रोटोम होता है जो कि हमारा सेक्शन कटिंग काम करता है। हमारा जो ब्लॉक यही है, जो हमारा ये ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक माइक्रोटोम मशीन में लगा करके तब इसे हम ब्लॉक क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं। दोस्तों जैसे देख लो हमारे क्या दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख लो माइक्रोटोम हमारा यही होता है जिसके थ्रू हम सेक्शन कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन हम कटिंग होगा, स्पाइस हमारा सेक्शन कैसे कटेगा, स्लाइसेस हमारा सेक्शन, स्लाइस हमारे सेक्शन कट, बहुत पतला ही हमारा सेक्शन कटिंग होता है दोस्तों। अब मान लो सेक्शन हमारा कट गया, तो हमारा सेक्शन काटते जब हैं तो हमारे क्या होता है, सेक्शन काटने के बाद हमारे पास एक रहता है वाटर बॉथ होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा स्लाइस है इसमें हम डाल देंगे, हमारा रिबन के फॉर्म में हमारा कटता है, रिबन फॉर्म में मतलब हमारा ऐसे जुड़ा हुआ फॉर्म में ऐसे कटता है जब सेक्शन कटिंग होता है, उसको हम डायरेक्ट कहाँ वाटर बाथ में डाल देते हैं। वाटर बाथ में डालने से क्या होता है, डी वैक्सीनेशन होता है। इसमें जो हमारे वैक्स लगे हुए थे, जो हमने सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करने से हमारे वैक्स लगे हुए थे, वैक्स उसके बाद डी वैक्स हो जाएंगे। तो जब वैक्स हमारे हट गए तो उसे हम क्या करेंगे, एक हमारे फोर्सेप्स से हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक स्लाइड भी ले लेंगे। स्लाइड हमारा है, मान लो हमने वैक्स हमने उसको उठा लिया, जो हमारा सेक्शन कटा हुआ था मैंने इसको रख दिया स्लाइड पे। स्लाइड पे रखने के बाद हम इसे स्टेनिंग करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ गया, स्टेनिंग। स्टेनिंग हम किससे करते हैं, मैक्सिमम हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में जो हम यूज करते हैं स्टेन, उसका नाम है एच एंड ई स्टेनिंग यूज करते हैं, जो हमारे मैक्सिमम हमारे क्या होता है, हीमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन यही हम यूज करते हैं स्टेनिंग। मोस्ट कॉमनली हमारा स्टेनिंग है जो हम यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में दोस्तों। इसके बाद स्टेनिंग करने के बाद, जब स्टेनिंग कर दिए, स्टेनिंग करने के बाद हम स्टेनिंग इसका दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे डिटेल में स्टेनिंग कैसे करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, माउंटिंग। अब दोस्तों माउंटिंग जो करते हैं, माउंटिंग मीन्स हमारा माउंटिंग जिससे करते हैं, हम DPX से करते हैं और या हम तो कनाडा बालसम से करते हैं, कनाडा बालसम। ये हमारे दो टाइप्स के हमारे माउंटिंग मीडिया हैं जिसमें हम क्या करते हैं, माउंटिंग इसलिए हम करते हैं दोस्तों, जो हमने स्टेनिंग किया है स्टेन को हमारे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके, मॉर्फोलॉजी को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए हम माउंटिंग करते हैं, जो DPX से करते हैं, कनाडा बालसम से करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद हमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद उसे हमको बाद में कभी देखना हो, कभी जरूरत हुआ हमें देखने के लिए स्लाइड को, उस स्लाइड को, तो इसलिए हम उसे माउंटिंग करके तब रखते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, जो हमारी स्टेनिंग किए हैं हम लोग, जो स्टेनिंग हुआ है तो स्टेनिंग क्या करेगा, ये माउंटिंग मीडिया उसको प्रिजर्व कर देगा, स्टेनिंग जो है उसकी सेल मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व करके रख देगा, जो उसके कलर हैं जो फेल्ड हो जाएंगे उसके, दिखेंगे नहीं, तो उसका प्रिजर्व करने से, माउंटिंग करने से उसका वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी सब वैसे ही दिखेगा, उसका कलर फेल्ड नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों माउंटिंग किससे करते हैं, DPX से करते हैं और कनाडा बालसम से करते हैं। तो इसको हम प्रिजर्व करने के बाद क्या करते हैं, हम इसे हम क्या कहते हैं, जो स्लाइड हमारा है इसे हम रख देते हैं दोस्तों। हमारा जो DPX होता है ये हमारा कॉमर्शियली हमारा क्या होता है, कॉमर्शियली इसको हमारा एक कॉमर्शियली हमारा सोर्स है, जिसको माउंटिंग मीडिया को कॉमर्शियली हमारा अवेलेबल आर्टिफिशियल में हो, कॉमर्शियली हमें अवेलेबल होता है ये हमारा, जिसका DPX का फुल फॉर्म है डाइब्यूटाइल पेप्थिलेन जाइलिन नाम है इसका DPX का। और जो हमारा कनाडा बालसम जो है, कनाडा बालसम जो हमारा है ये नेचुरल हमारा माउंटिंग मीडिया है, नेचुरली हमको नेचुरली मिलता है प्लांट से, नेचुरल हमारा माउंटिंग मीडिया है जिसको हम करते हैं कनाडा बालसम। दोस्तों ये दोनों हमारे मोस्ट कॉमन माउंटिंग मीडिया यूज होते हैं
हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। दोस्तों यही हमारे स्टेप्स होते हैं, पहले फिजेटिव, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन, इम्बेडिंग, सेक्शन कटिंग, डिवैक्सीनेशन, स्टेनिंग और माउंटिंग। दोस्तों माउंटिंग करने के बाद इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके हमारे जो स्लाइड है उसे क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख देते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना।